कलयुग में पाप अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। एक ओर पापी इंसान अपनी अंधी दौड़ में भाग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर साधु संत और सज्जन लोग यह सोचते रहते हैं कि कलयुग कब जाएगा, इसका विनाश कब होगा, कलयुग कितना बाकी है, हे भगवान ये कलयुग जल्दी खत्म हो जाए। जी हाँ, हर सज्जन पुरुष यही चाहता है कि कलयुग कब बीतेगा, परंतु आपके या हमारे चाहने से कलयुग खत्म नहीं होगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हर चीज को काल यानी समय के अंदर बांध रखा है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या प्रकृति हो, यहाँ तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराण व धर्मशास्त्र में कालखंड को चार भागों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का समय भी निश्चित एवं पहले से पूर्ण निर्धारित है। इन चारों युगों का कितना कितना समय होता है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और हाँ, विशेषकर कलयुग को लेकर तो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता ही होगा कि कलयुग कितना बाकी है, कलयुग के कितने साल बाकी हैं। इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे। कलयुग कितना बाकी है, वह कितना बीत चुका है, यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। वैसे हम कलयुग के बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को अवश्य देखें और शेयर भी करें। राम राम मित्रों, मैं हूँ करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना आशीर्वाद हमें जरूर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चार युग क्या है, इसका हम आपको परिचय और रहस्य बताएंगे। हिंदू धर्म में काल गणना अत्यंत ही गंभीर सूक्ष्म चिंतन है। चार युगों को समझने से पहले ब्रह्मा की इस सृष्टि अथवा ब्रह्मांड को समझना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प में होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दूसरे कल्प में रात होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन रात दो कल्पों में होती है, एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्योगी होते हैं। चतुर्योगी का मतलब होता है चार युग का एक समूह। 14 मनवंतर में से वर्तमान में सातवां वैवस्वत मनु चल रहा है। इस सातवें मनवंतर का 28वां चतुर्योगी अभी चल रहा है, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इस चार वर्तमान में यह 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युगों की वर्ष संख्या भी पूर्व निर्धारित है। मनुस्मृति में भी चार युगों की आयु के बारे में भलीभांति बताया गया है। आइए जानते हैं चार युगों की आयु। सतयुग, सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म के चारों चरण विद्यमान थे, पाप बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या यूं कहें कि पाप ना के बराबर होता है। वहीं सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में सामान्य मानव की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि युग के अनुसार इंसान की आयु भी घटती है। सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग आता है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल निश्चित की गई है। रोचक बात यह है कि त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 साल होती थी। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 1,000 साल हो गई थी। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तक कलयुग के केवल 5,122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है। कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है,
पुरुषों की पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि बनी हुई है। इन सबको देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी घोर कलयुग आएगा, पाप अपनी चरम पे होगा। आपको अपनी आंखों से देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि कलयुग का खेल कितना खतरनाक होता है। हमारे चारों ओर पाप और अत्याचार को देखकर तो प्रतीत यही होगा कि कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात यह है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बातें की गई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राम राम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।